It's time to experience something glorious. An Academy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. An Academy Combat. Register now. कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अन अकेडमी गेट एमी चैनल पर, जिसमें हम किसके साथ डील कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका कोई भी सेशन मिस ना हो और आप कंसिस्टेंट बेसिस पर सभी सेशन का एडवांटेज ले सके। और जो भी स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माई डियर फ्रेंड, मैं हूँ पल्लव गौर, जो आपके साथ डील करते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के साथ, जिसका वेटेज आप सभी लोग जानते हैं गेट एग्जाम में कितना है, दिया 28 मार्क्स टू 30 मार्क्स। एंड आप में से जो भी स्टूडेंट कंफ्यूज है रिगार्डिंग अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक, आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं। डियर अनअकैडमी प्लस पर मिलती है आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वह सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलता है, एडिशनल आपको मिलते हैं पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस एंड प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल। सर, अभी हमें अनअकैडमी पर और क्या मिलेगा? डियर अनअकैडमी पर आप सभी स्टूडेंट को प्लस टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है गेट 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करें बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड डियर, आप सभी के लिए लक्ष्य बैच एंड आरोहण बैच 30 जून से स्टार्ट हो चुका है। तो अब आप सभी लोग लेट ना करें, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितना टाइम बचा हुआ है, 6 to 7 months, जिसमें से भी आपके 6 months जो है आप प्रिपरेशन करेंगे एंड लास्ट जो मंथ है उस मंथ में आप क्या करेंगे सर, रिवीजन। एंड डियर, आपके लिए डिटेल्ड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो रहा है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना है। जो स्टूडेंट भी गेट 2022, गेट 2023 ईएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं,
और जो स्टूडेंट भी मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, माय डियर फ्रेंड ये बैच आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो आपको क्या करना है, जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करना है। एंड ईएससी प्रीलिम्स के लिए जो स्टूडेंट प्लस पर टेस्ट सीरीज चाह रहे थे डियर, आप सभी को टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है जो मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड ईसीई ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं। एंड डियर नेक्स्ट अनअकैडमी कॉम्बैट कब होने वाला है, डियर नेक्स्ट अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 4 जुलाई को। किन ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ईसीई ब्रांच एंड सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए। किस टाइम पर होगा, एट 11 AM पर। तो आप सभी स्टूडेंट को अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए अपने आप को एनरोल करना है बाय यूजिंग माय कोड एज अ पल्लव लाइफ। एंड डियर आप सभी स्टूडेंट के हाई डिमांड पर आपके लिए डेट जो है, प्राइस हाइक की डेट आपके लिए एक्सटेंड कर दी गई है। यस डियर, जो प्राइस हाइक 7.25% इंक्रीज होने वाला था, जो हाइक होने वाला था, तो आप सभी स्टूडेंट को क्या करना है, जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन करना है ताकि आप सभी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। चलिए चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मनीष जी, गुड मॉर्निंग राकेश जी, गुड मॉर्निंग अनीश जी, गुड मॉर्निंग राजेश्वरी जी। चलिए या तो सभी लोग एक बार सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए फास्ट, सभी लोग सेशन की लिंक को शेयर करके आ जाइए, फिर हम स्टार्ट करते हैं क्या आज, पोजीशन वेक्टर। यस डियर, आज हम करेंगे पोजीशन वेक्टर और उसके सभी प्रॉपर्टीज एंड अदर देन दैट जो आपको 4 इंपॉर्टेंट रिजल्ट के कहा था वह सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी। चलिए तो सभी लोग हेडिंग डालिए, पोजीशन वेक्टर। चलिए चलिए चलिए, वैसे तो यार पोजीशन वेक्टर का अगर हम देखा जाए ओवरव्यू तो हम ले चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है, बट उसकी सारी चीजें आज A to Z सारी चीजें आज हम डेप्थ में करने वाले हैं ताकि गेट एग्जाम हमसे कुछ भी पूछ ले, गेट एग्जाम हमसे कुछ भी पूछ ले, पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड हमें सारी चीजें आनी चाहिए। इसलिए अब हम जो है पोजीशन वेक्टर की A to Z सारी चीजों के समझने की स्टेज में आ चुके हैं। चलिए 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 गाइस, स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताइए सभी लोग, स्टार्ट किया जाए। चलिए 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 चलिए, फास्ट, कम है कम है। अगर हम बात करें लेटर सपोज, लेटर सपोज हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस, एंड आपके पास एक पॉइंट है पी जिसके की कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके यस सर, नाउ इस कोऑर्डिनेट को, इन कोऑर्डिनेट्स को आपने क्या करा सर, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। ओके यस सर, हमने इन कोऑर्डिनेट को जो है सर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया। नाउ माय डियर, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कोऑर्डिनेट के क्या पॉइंट होंगे तो आप कहेंगे सर 0, 0, 0। नाउ अगर मैं आपसे पूछता हूं टेल मी द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट, अगर मैं आपसे पूछता हूं डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट क्या होगा, या फिर मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो वेक्टर पॉइंट है उसे आप वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो आप क्या कहेंगे सर, इससे हम लिखेंगे सर जी x2 माइनस ऑफ x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस ऑफ z2 माइनस z1 k कैप। ओके यस सर, नाउ माय डियर अगर मैं आपसे पूछता हूं Z1, Y1, X1 ये क्या है सर, ऑल दीज आर नथिंग बट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो क्या है सर 0, 0, 0। तो माय डियर R वेक्टर इज इक्वल्स टू x i कैप प्लस y j कैप
प्लस जेड के कैप, दिस इज वी कॉल्ड एज व्हाट? सो दिस इज वी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर. नाउ लिसन टू मी केयरफुली, जो पोजीशन वेक्टर है डियर उसे हम हमेशा आर वेक्टर से इंडिकेट करते हैं. अगर वेक्टर में आपको कहीं पर भी आर दिखता है इसका मतलब क्या है? सर नथिंग बट व्हाट? सर पोजीशन वेक्टर. ओके यस सर. नाउ माय डियर, अगर ये पोजीशन वेक्टर है तो आप इसकी लेंथ निकाल सकते हैं, आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं. यस सर. तो माय डियर अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं या फिर इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, अगर हम इसके लेंथ और मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या होगा? सर नथिंग बट मॉड ऑफ आर, जिसे कि हम इंडिकेट करेंगे किससे? आर से. इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर. दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर. यस और नो? जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए. चलिए इतना समझ आया? यस यार, अभी बेसिक है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, आप उसका टेंशन मत लीजिए. ठीक है यस सर. तो हमें ये समझ आया कि सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है, सर उसका मैग्नीट्यूड निकालें या फिर उसकी लेंथ निकालें तो वह कैसे आएगी. नाउ अब हम क्या करेंगे माय डियर, अब हम फाइंड आउट करेंगे क्या? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल. किस चीज के लिए? सर इन पोजीशन वेक्टर एंड इसके मैग्नीट्यूड के लिए. तो चलिए वन बाय वन हम सारी चीजें फाइंड आउट करेंगे. तो सबसे पहले हेडिंग डालिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट. चलिए इन इंपॉर्टेंट रिजल्ट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आता है आपका? पहले तो मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे इस आर की बात करूं तो आप क्या कहेंगे? सर ये जो आर है वह पार्शियली डिपेंड कर रहा है एक्स पर, पार्शियली डिपेंड कर रहा है वाई पर, एंड पार्शियली डिपेंड कर रहा है किस पर? सर जी जेड पर. और अगर मैं इस आर का डेरिवेटिव निकालना चाहूं, क्यों निकाल रहा हूं मैं इसका डेरिवेटिव? ये इसका डेरिवेटिव इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर आप ग्रेडियंट चाहते हैं, अगर आप कर्ल चाहते हैं, अगर आप डाइवर्जेंस चाहते हैं तो आपको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. एंड माय डियर अगर मैं यहां पर आर की बात करूं तो वह पार्शियली डिपेंड है, इसलिए आप क्या निकालेंगे? सर पार्शियल डेरिवेटिव. तो माय डियर अगर आप फाइंड आउट करते हैं डी आर बाई डी एक्स तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सर नथिंग बट एक्स वाई आर. नाउ ध्यान से सुनिए एक बार नोट कर लीजिए सभी लोग, अगर मैं उसके ऊपर आर के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है? वह पोजीशन वेक्टर है. और अगर मैं आर के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है? वह मैग्नीट्यूड है. ओके इस चीज का ध्यान रखिएगा डियर, कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल भी. अगर मैं आर के ऊपर वेक्टर लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है? सर वह पोजीशन वेक्टर है. और अगर मैं आर के ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा हूं इसका मतलब क्या है? सर वह उसकी लेंथ या फिर उसका मैग्नीट्यूड कह लीजिए. ओके यस. तो वन बाय वन हम अगर देखें तो सबसे पहला रिजल्ट आता है कि अगर डी आर बाई डी एक्स निकाला जाए तो डी आर बाई डी एक्स क्या होगा? सर नथिंग बट एक्स बाई आर. और याद करने का तरीका देखिए, आपको क्या करना है? सर dr by dx is nothing but x denominator में, यहाँ पर numerator में होगा and यहाँ पर denominator में होगा. Now sir कैसे यार? आइए अगर आप इसका प्रूफ चाहते हैं तो आइए इसका प्रूफ दे देते हैं आपको. r क्या था dr? sir r is nothing but root over x square plus of y square plus of z square. जल्दी से बताइए यही r था? yes sir. Now, my dear, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कैलकुलेट कीजिए dr by dx तो dr by dx कितना होगा? सर नथिंग बट 1 अपॉन 2
एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर होल पावर व्हाट सर 1/2 - 1 मल्टीप्लाई। ये आपने किसका डेरिवेटिव किया? सजी रूट का। अब क्या करेंगे सर? इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कितना रहेगा सर जी? दिस इज नथिंग बट 2x प्लस ऑफ 0 प्लस ऑफ 0। जल्दी से बताइए हां या ना। नाउ अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं तो दिस 2 एंड दिस 2 इज कैंसिल आउट, द वैल्यू इज कम आउट टू बी dr / dx इज नथिंग बट इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय रूट ओवर x स्क्वायर प्लस ऑफ y स्क्वायर प्लस ऑफ z स्क्वायर। माय डियर अगर आप बात करें dr / dx की वैल्यू, dr / dx की वैल्यू कितनी आ चुकी है सर? नथिंग बट व्हाट सर? नथिंग बट इक्वल्स टू x / r। जल्दी से बताइए समझ आया कि नहीं यार? कमेंट करते रहिए ताकि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो आपसे छूटे या फिर कोई एक भी चीज ऐसी ना हो जो आपको समझ ना आए। ओके चलिए तो आपने क्या कहा? यस सर dr / dx हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ dr / dx के बाद अगर मैं आपसे कहता हूं सिमिलरली dr / dy dr / dz क्या होगा? dr / dy डियर अगर आप देखें तो r इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सर जिस जो हमारे लिए r है वह x के लिए है वही सेम वे किसके लिए भी है सर जी? उसी सिमिलर वे में किसके लिए सर जी? y के लिए भी। मींस अगर आप dr / dy निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी सर जी? नथिंग बट इक्वल टू y / r। एंड सेम अगर मैं आपसे पूछता हूं dr / dz कितना होगा सर? dr / dz होगा हमारा सर नथिंग बट z / r। मींस जितने भी अभी पार्शियल डेरिवेटिव थे सर, r का x के रिस्पेक्ट में, r का y के रिस्पेक्ट में, r का z के रिस्पेक्ट में हम तीनों चीजें कैलकुलेट कर चुके। नाउ सर ये चीजें कैलकुलेट क्यों की माय डियर? किस चीज को कैलकुलेट करने के लिए? जल्दी से बताइए सर, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्व। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी? ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल की। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। नाउ माय डियर सर, ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल क्यों लिखा है? डियर आपको फील कराने के लिए। सबसे पहले आप इसे फील कीजिए, देन हम इसके जो रिजल्ट है उन रिजल्ट को तो देख ही लेंगे। रिजल्ट तो आप यार याद कर ही लोगे, रिजल्ट में आपको प्रूफ करा दूंगा, वो तो हो ही जाएंगे, बट पहले फील कर लीजिए। मुझे एक बात बताइए, ग्रेडियंट की अगर बात करें तो ग्रेडियंट आप किसका निकालते हैं सर? ग्रेडियंट हम हमेशा निकालते हैं किसका सर? स्केलर क्वांटिटी का। ग्रेडियंट आप हमेशा किसका निकालते हैं सर जी? ग्रेडियंट हम हमेशा निकालते हैं स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटी एंड डायवर्जेंस की बात करें तो डी फॉर डायवर्जेंस एंड डी फॉर डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट आप किसका लेते हैं सर जी? नथिंग बट व्हाट सर जी? वेक्टर क्वांटिटी का। मींस डायवर्जेंस हम हमेशा किसका लेते हैं सर जी? वेक्टर क्वांटिटी का। वेक्टर क्वांटिटी एंड कर्ल की अगर मैं आपसे बात करूं तो कर्ल आप हमेशा किसका लेते हैं सर? कर्ल की बात की जाए तो सी फॉर कर्ल एंड सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट हम कर्ल किसका लेते हैं डियर सर? वेक्टर क्वांटिटी का। क्यों? क्योंकि सर सी फॉर कर्ल एंड सी फॉर क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा किसका लेते हैं सर? वेक्टर क्वांटिटी का। तो दिस इज फॉर द वेक्टर क्वांटिटी। नाउ सर ये बात हमें क्यों बताई जा रही है, ध्यान से सुनिए। ये बात की अगर बात की जाए तो ये आपको इसलिए बताई जा रही है ताकि आपको ये याद ना करना पड़े, आपको ये रटना ना पड़े कि ग्रेडियंट किसका निकालते हैं, डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं, कर्ल किसका निकालते हैं, आर वेक्टर का निकालते हैं या फिर आर का। आपको डायरेक्टली ये चीजें याद रहे, इसीलिए आपको ये सारी चीजें बताई जा रही है। अगर आप ग्रेडियंट की बात करें तो आपने कहा कि सर जी ग्रेडियंट हम निकालते हैं स्केलर क्वांटिटी का। अब मुझे ये बताइए r वेक्टर आपकी स्केलर क्वांटिटी है या फिर आपकी r? जल्दी से बताइए आप, r वेक्टर आपकी स्केलर क्वांटिटी है या फिर r? तो आप क्या कहेंगे सर? r इज अ स्केलर क्वांटिटी। मींस ग्रेडियंट जब आप कैलकुलेट करेंगे
तो किसका करेंगे? सजी आर का, यस सर। और अगर मैं आपसे बात करूं डायवर्जेंस एंड कर्ल की, ये किसका निकालते हैं? सर डायवर्जेंस एंड कर्ल हम कैलकुलेट करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का, तो मुझे बताइए आर वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है या फिर आर? तो आप क्या कहेंगे? सर जी आर वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप किसका निकालेंगे? ये सर पोजिशन वेक्टर का, ना कि उसकी लेंथ का। जल्दी से बताइए, अब रटना तो नहीं पड़ेगा? जल्दी से बताइए, अब किसी को रटना तो नहीं पड़ेगा कि सर ग्रेडियंट किसका निकालेंगे, डाइवर्जेंस किसका निकालेंगे, कर्ल किसका निकालेंगे और क्यों निकाल रहे? ओके, तो चलिए अब हम मूव करते हैं किसकी तरफ, अब हम मूव करते हैं कि अगर आपको ग्रेडियंट निकालना हो तो ग्रेडियंट आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए मूव ऑन टू फोर्थ। ग्रेडियंट ऑफ आर, समझ आया कि ग्रेडियंट हम आर का क्यों निकाल रहे हैं, आर वेक्टर का क्यों नहीं निकाल रहे? रटना तो नहीं पड़ेगा? चलिए अगर आपने कहा सर ग्रेडियंट हम निकालेंगे आर का, तो ये क्या होता है सर? दिस इज नथिंग बट डेल ऑफ आर, दिस वैल्यू इज नथिंग बट, ये क्या होगी सर? दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट d by dx r i cap plus d by dy r j cap plus d by dz r k cap। अब समझे कि पहले हमने पार्शियल डेरिवेटिव क्यों कैलकुलेट कर लिया? ताकि हमें ये सभी चीजें आसानी से निकालने में मदद हो। तो आपने क्या कहा सर? dr by dx की अगर बात की जाए तो dr by dx क्या था सर? नथिंग बट x by r i cap plus y by r j cap plus z by r k cap, yes or no? yes sir। अगर हम इसकी बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं इसे? so this is x i cap plus y j cap plus z k cap divided by what sir? divided by r। और ये क्या लिखा हुआ है जल्दी से बताइए? ये x i cap plus y j cap plus z k cap आपके न्यूमरेटर में लिखा क्या हुआ है? so this is nothing but what? so this is nothing but the position vector r vector, this is divided by r। तो ध्यान से सुनिए मेरे लाल, ध्यान से सुनिए, पूरा ध्यान यहां पर, पूरा ध्यान यहां पर, इधर आइए सभी। माय डियर, अगर आपसे मैं कहूं कि कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ sin x, कैलकुलेट द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, तो आप क्या करते हैं सर? साइन एक्स का डेरिवेटिव अगर करना है तो आप डायरेक्टली कह देते हैं सर जी कॉस एक्स। क्यों कह देते हैं माय डियर? क्यों कहते हैं? जब आप डेरिवेटिव निकालते तब आप सोचते हैं कि सर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स क्यों है? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे कि सर जी अगर देखा जाए तो हमने किया ये कि सर सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लिया किसका? सर सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लिया है साइन का, जो कि क्या है सर जी कॉस एक्स। एंड देन डियर यहां पर आप लोग ध्यान नहीं देते, बगैर अगर बात की जाए तो यहां पर आपने डेरिवेटिव किसका भी किया है सर? हमने डेरिवेटिव इस x का भी किया है, जिसकी वैल्यू क्या हो चुकी है सर? जिसकी वैल्यू 1 हो चुकी है। इसीलिए आपको दिख नहीं रहा है कि आपने क्या करा है सर? डेरिवेटिव हमने x का भी लिया था, x के रिस्पेक्ट में, जिसकी वैल्यू 1। सर ये बात हमें क्यों बता रहे? सर ये बात हमें क्यों बताई जा रही? माई डियर ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि x का डेरिवेटिव अगर आपने किया है तो वह क्या है? डियर 1 है। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि r का डेरिवेटिव, तो आप क्या कहेंगे सर जी? r का डेरिवेटिव 1 नहीं है, r का डेरिवेटिव क्या है सर? r वेक्टर डिवाइडेड बाय r। सर ये चीज क्या है जो है कहां पर यूज होगी डियर? ये आपके न्यूमेरिकल में देखिएगा, हर जगह यूज होगी जहां पर भी पोजिशन वेक्टर आ रहा है। ओके चलिए चलिए चलिए, यस थोड़ा सा जो भी आपको चीजें बताई जा रही है उनको याद रखिए, बाकी सब चीजें तो आपको कराई जाएगी, आप उसका टेंशन ना लो। चलिए अगर मैंने आपसे पूछा, यस पहले तो कमेंट करके बताइए सर वैभव जी एक्स इक्वल टू 1, यस डियर, नॉट एक्स इक्वल टू 1 डियर, एक्स इक्वल टू 1 नहीं है आपका, x इक्वल टू 1 नहीं, आपका x का डेरिवेटिव 1 है। ठीक है चलिए 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 सर,
एक इस पे एग्जांपल करते हैं माय डियर। चलिए डेल ऑफ आर टू दी पावर एन, चलिए जल्दी से बताइए अगर आपको निकालना डेल ऑफ आर टू दी पावर एन तो आप क्या करेंगे? सर जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं सेम वे में डेल ऑफ आर टू दी पावर एन है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। जैसे आप डेरिवेटिव करते हैं सिंपल वे से करेंगे सर, दिस इज नथिंग बट वॉट सर आर का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस क्वांटिटी इज एन आर टू दी पावर एन माइनस वन। ये आपने किसका करा है जल्दी से बताइए, ये डेरिवेटिव अभी आपने किसका किया है? सर ये डेरिवेटिव मैंने अभी किया है सर पावर का, यस और नो? यस, पावर का डेरिवेट करने के बाद अब आप किस पर जाएंगे? सर अब मैं जाऊंगा आर पर, तो आर का डेरिवेटिव यहां पर क्या लिखेंगे? दिस इज इनटू डेल ऑफ आर, एंड डेल ऑफ आर की वैल्यू कितनी है सर? दिस इज एन आर टू द पावर एन माइनस वन मल्टीपल ऑफ वॉट सर? दिस इज आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, यस और नो? जल्दी से बताइए। और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी सर? दिस इज एन आर टू द पावर एन माइनस टू इंटू आर वेक्टर, दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल आर टू द पावर एन। अब ध्यान से सुनिए, आप लोगों को डाउट नहीं आया बट आपको एक छोटा सा डाउट आना चाहिए था। पहला डाउट आपको ये आना चाहिए था कि सर जी वो सब तो छोड़िए, वो सब छोड़िए सर, मुझे एक बात ये बताओ, आपने ही बताया है हमें कि अगर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं तो किसका निकालता हूं? सर मैं ग्रेडियंट निकालता हूं स्केलर क्वांटिटी का, और ग्रेडियंट स्केलर क्वांटिटी को कन्वर्ट करता है वेक्टर क्वांटिटी में। जल्दी से बताइए बताया गया कि नहीं? यस सर नो? यस सर, ये तो हमें बताया गया है कि सर ग्रेडियंट हम किसका निकालते हैं? सर ग्रेडियंट निकालते हैं स्केलर क्वांटिटी का और वह उससे कन्वर्ट करता है वेक्टर क्वांटिटी में। तो आप मुझे बताइए, आपने डेल आर टू द पावर एन को डेरिवेट किया तो यहां पर तो किसी भी प्रकार से आपने सर डी बाई डी एक्स आई आर आई कैप डी बाई डी वाई आर जे कैप डी आर बाई डी जेड के कैप ये तो कुछ भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा मेरे लाल? क्योंकि ये जो आपका डेल ऑफ आर है, ये जो आपका डेल ऑफ आर है इसके अगर हम बात करें तो ये हो रहा है आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। मुझे बताइए आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्या होगा? मुझे बताइए आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर बता क्या रहा है? किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वह क्या रहती है डियर? सर वह और कुछ नहीं, क्या रहता है सर जी? नथिंग बट द यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर आपको क्या प्रोवाइड करता है? यूनिट वेक्टर आपको प्रोवाइड करता है डायरेक्शन। तो माय डियर आप ये ना सोचना इसमें कि सर डायरेक्शन की तो बात ही नहीं हुई, सर किसी भी प्रकार से आई जे के कैप आया ही नहीं तो ये स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी में कैसे कन्वर्ट हो गई, ये चीजें दिमाग में मत लाना। अब समझ आया कि आपका ये जो है डेल ऑफ आर इसकी वैल्यू को अगर आप सही से देखें तो ये क्या है सर? नथिंग बट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को अगर आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है सर? मुझे मिलता है यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर हमें क्या देता है सर जी? डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। चलिए भाई, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, चीजें क्लियर हुई? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए चीजें क्लियर हुई? चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट रिजल्ट। चलिए नाउ हमने क्या निकाल लिया इसका कि सर ग्रेडियंट ऑफ आर वेक्टर की सर ग्रेडियंट ऑफ आर क्या निकलेगा। चलिए ग्रेडियंट ऑफ आर के बाद अब हम चलते किस पे? डायवर्जेंस की तरफ। डायवर्जेंस ऑफ, मुझे बताइए डायवर्जेंस किसका निकलेगा सर? डायवर्जेंस निकलेगा वेक्टर क्वांटिटी का, और यहां पर वेक्टर क्वांटिटी क्या है सर जी? आर वेक्टर। चलिए नाउ अगर मैं आर वेक्टर की आपसे बात करता हूं तो आप क्या कहेंगे सर जी? दिस क्वांटिटी इज डेल डॉट ऑफ आर वेक्टर, ये कितना होगा सर? दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई ऑफ वाई
कैप प्लस डी बाई डी जेड ऑफ जेड के कैप। जल्दी से बताइए। ओहो अच्छा यस सर। नाउ अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट डेल ऑफ डॉट आर वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू वन प्लस वन प्लस वन। माय डियर आपका क्या है सर, डाइवर्जेंस ऑफ आर की अगर मैं बात करूं तो डियर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर, नथिंग बट इक्वल्स टू डेल डॉट आर वेक्टर एंड दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट इक्वल्स टू व्हाट सर जी, दिस इज इक्वल्स टू थ्री। जल्दी से बताइए समझ आया, जल्दी से बताइए सभी लोगों को समझ आया। एंड डियर ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट गेट एग्जाम में इतनी बार आ चुका है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इतनी बार गेट एग्जाम में आ चुका है कि अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर जी ये कुछ ज्यादा रिपीट नहीं हो गया। यस यस गेट एग्जाम में ये रिजल्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली यस आपको न्यूमेरिकल में या तो बीच में यूज होगा या फिर डायरेक्टली आपसे ये चीज पूछी गई। ओके 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 चलिए 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 आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। सर डाइवर्जेंस ऑफ आर वेक्टर निकालने के बाद अब हम नेक्स्ट किस पर मूव करते हैं, नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्या डियर कर्ल पर। कर्ल ऑफ आर वेक्टर चलिए भाई कर्ल ऑफ आर वेक्टर निकालते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कर्ल ऑफ आर वेक्टर निकालिए तो आर वेक्टर क्या है सर, आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। जल्दी से बताइए आर वेक्टर यही होगा सर, नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहेंगे सर, डेल इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। जल्दी से बताइए यही होगा आपका, यस सर दिस इज आर वेक्टर एंड दिस इज डेल वेक्टर। नाउ अगर आपको कर्ल निकालना है तो कर्ल क्या होगा सर, दिस इज नथिंग बट डेल वेक्टर क्रॉस, इन दोनों का आप क्रॉस प्रोडक्ट ले लीजिए, ये क्या जाएगा सर, दिस इज आई कैप दिस इज जे कैप this is k cap and this is d by dx this is d by dy this is d by dz and my dear agar aap iski baat kare this is x this is y this is z। chaliye agar aap iski baat karte to ye kitna raha sir ji, this is 0 this quantity is 0 this quantity is 0 this is 0 this is 0 means ओवरऑल आपका क्या आ रहा है सर, अगर मैं यहां पर बात करूं तो मेरी क्वांटिटी क्या आ रही है सर, डेल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज नथिंग बट इक्वल्स टू जीरो सर जी, नथिंग बट व्हाट सर, इज नथिंग बट इक्वल्स टू जीरो। तो माय डियर तीनों चीजें कैलकुलेट हो गई और तीनों चीजें देखिए कितनी स्पेसिफिक आ रही है। डाइवर्जेंस की अगर आप बात करें तो आ रहा है 3, कर्ल की अगर आप बात करें तो आ रहा है 0 एंड माय डियर अगर मैं आपसे ग्रेडियंट की बात करता हूं तो वह क्या आ रहा है सो नथिंग बट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर। तो तीनों चीजें कैलकुलेट हुई, यस इन तीनों का हम आगे यूज करेंगे। तो ये समझ आया कि किसका हम क्या निकालते क्यों निकालते क्यों हमने ये पार्शियल डेरिवेटिव लिया था। जल्दी से बताइए, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइए। यस सर चलिए 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 ओके चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते किस पर, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ। यस नॉट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ऑपरेटर। तो अगर आप लाप्लास ऑपरेटर की अगर आप बात करेंगे लाप्लास ऑपरेटर चलिए ध्यान से सुनिए माय डियर, जिस प्रकार आपने डेल ऑपरेटर पढ़ा था, डेल ऑपरेटर आपने क्या पढ़ा था सर, नथिंग बट डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप, यही पढ़ा था
Yes or no? In a same way, अगर हम double derivative की बात करें तो उसके लिए हम कौन सा operator use करते हैं? उसके लिए use करते हैं हम Laplace operator. Sir क्या? Sir Laplace operator क्या होता है? My dear, Laplace operator की बात करें तो del आपका क्या था? Sir del और nebula था और यहाँ पर Laplace operator क्या होगा? Sir nothing but del the square means डबल डेरिवेटिव लेना है आपको. दिस इज नथिंग बट व्हाट सर, लाप्लास ऑपरेटर. माय डियर ये क्या है? डियर दिस इज नथिंग बट द लाप्लास ऑपरेटर. नाउ लाप्लास ऑपरेटर का सर क्वेश्चन किस ऊपर बेस्ड आते हैं? माय डियर लाप्लास ऑपरेटर के क्वेश्चन बहुत ही जो है बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके. कौन से? कि अगर आपका ये जो पोजीशन वेक्टर था, पोजीशन के जो आपकी लेंथ थी, अगर मैं उसे किसी फंक्शन के अंदर रख देता हूं एंड देन उसका डेरिवेटिव निकालना, तो वह कैसे कैलकुलेट करेंगे? चलिए तो नाउ माय डियर रिजल्ट नंबर 7. This is nothing but what? So this is nothing but f double dash of r plus 2 by r f dash of r. And my dear, इस पर बहुत क्वेश्चन. Yes, yeah, इस पर जो है यार आप लोग सेशन की लिंक शेयर नहीं कर रहे हैं क्या? जल्दी से बताइए. Tell me. यार देखिए सेशन के लिंक को यार आप शेयर कीजिए, अदरवाइज ये सभी चीजें जो आपको इतने पील के साथ पढ़ाई जा रही है, अगर आपको ये सारी चीजें इतने बेसिक से बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल तक की आपको चीजें कराई जा रही है, इन सभी में अगर बाकी स्टूडेंट्स को भी आप मदद नहीं करेंगे तो डियर उनका लॉस होगा. ओके चलिए सर ये तो आपने बता दिया कि सर अगर मैं इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा तो ये सारी चीज होगी. अब हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. कम इन चलिए जल्दी से सभी लोग ये करके बताइए. चलिए फास्ट सर आई प्रिपेयर फॉर 2022 गेट. व्हेन विल यू कंप्लीट फुल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग? डिफेंस ऑन द वे. डियर आप क्या चाहते हो मुझे आप ये बताइए, आप चाहते क्या हो? कि आपको ये सारी चीजें ऐसे बेसिक के साथ ही कराई जाए या फिर बस कंप्लीट करा दिया जाए? बताइए, घास काट दिया जाए ऐसे कि बस ये होता है इसको रट लो, ये होता है इसको रट लो, ये इसका कर ले निकाला, क्यों निकाला कोई रीजन बताने की जरूरत नहीं, बताइए. डायरेक्टली आपको करा दिया जाए कि बस ये होता है मतलब होता है, ये आपको रटना है मतलब रटना है, कैसे भी करो रट लो इससे बस. तो डियर थोड़ा सा टाइम तो लगेगा यार, और मैथमेटिक्स का आपका वेटेज जो है कोई एक सब्जेक्ट बराबर नहीं है. आप अगर टेक्निकल के सब्जेक्ट उठाएंगे तो आपके 2 से 3 सब्जेक्ट के बराबर का एक सब्जेक्ट है, और वह चीज आप चाहते भी हो कि सर फील के साथ हमें करी जाए. तो डियर अगर चीजें फील के साथ करनी है तो टाइम तो आपको देना पड़ेगा. चलिए भाई आइए, अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये क्या होगा? सर दिस इज नथिंग बट 1 बाई आर डबल डेरिवेटिव प्लस 2 बाई आर 1 बाई आर द डेरिवेटिव. यस और नो? और अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे ये बताइए कि 1 बाई आर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? सर दिस इज नथिंग बट माइनस 1 बाई आर स्क्वायर डेरिवेटिव प्लस 2 बाई आर, दिस इज नथिंग बट माइनस 1 बाई आर स्क्वायर. यस और नो? यस सर. यार यहां पर डबल डेरिवेटिव था इसलिए आपने यहां पर अभी कितनी बार डेरिवेट किया? सर सिंगल टाइम डेरिवेट किया. नाउ अगर आप इसकी बात करें तो दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी हाउ मच? सर दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी
2/r³. एक बार और अगर आप डेरिवेट करेंगे तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट 2/r³ माइनस ऑफ 2/r³. सो आपका क्या हो गया सर, डेल स्क्वायर डबल डेरिवेटिव जब आपने इसका किया तो दिस क्वांटिटी इज कम आउट टू बी नथिंग बट व्हाट सर, नथिंग बट जीरो. समझे आप सभी लोग किस टाइप के आपको यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जल्दी से बताइए. यस सर और नो? यस राजेश्वरी, इन लाप्लास ऑपरेटर आई जे के आर नॉट प्रेजेंट. इन लाप्लास ऑपरेटर आई जे के आर नॉट प्रेजेंट. चलिए 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 आगे की तरफ पढ़ा जाए. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 8. चलिए नाउ माय डियर, अगर रिजल्ट नंबर 8 की बात करें तो ये जो रिजल्ट है आपके गेट एग्जाम में 4-5 टाइम आ चुका है. सर जी क्यों, आइए अगर हम इसकी बात करें. इफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, अगर आपका किसी भी वेक्टर क्वांटिटी आपने ली और उसका अगर आपने मैग्नीट्यूड की बात की और उसका मैग्नीट्यूड कितना है सर, नथिंग बट आर टू द पावर एन. क्या है सर, नथिंग बट आर टू द पावर एन. एन कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है. देन आपके जो वेक्टर क्वांटिटी होगी वह क्या होगी, दिस वेक्टर क्वांटिटी इज नथिंग बट आर टू द पावर एन माइनस वन इन टू वॉट सर जी, आर वेक्टर. यस नो? यस सर. सर ये तो आपने डायरेक्टली बता दी, बाकी जगह पर भी हम अगर पढ़ते तो डायरेक्टली हमें ये रटने को तो कोई भी बता देता. आइए भाई पहले अब हम इसका देखेंगे प्रूफ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है. ओके चलिए आइए 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 आपको एक एग्जांपल से ये चीजें प्रूफ करता हूं. एंड डियर ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि पोजीशन वेक्टर के आपको छोटी छोटी चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो आपको बताई जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. चलिए अगर आप इसकी बात करें तो आपने कहा मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां जाइए या फिर यहां से यहां जाइए, सेम चीज होना चाहिए. यस सर नो? यस सर. अगर मैंने कहा एक वेक्टर क्वांटिटी मान लो एफ वेक्टर, जिससे कि आपने क्या कहा आर स्क्वायर इनटू व्हाट सर जी, आर वेक्टर. यस सर. अगर हम इस रिजल्ट की बात करें, अगर हम इस रिजल्ट की बात करें तो इस रिजल्ट के हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए सर, मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट सर जी, नथिंग बट आर क्यूब, यही आना चाहिए. यस सर. चलिए निकालिए. अगर आप इसकी बात करें दिस इज एफ वेक्टर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर वेक्टर कितना हो जाएगा सर, दिस इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. जल्दी से बताइए यही होगा, टेल मी फास्ट. यस सर नो? आपने क्या करा सर जी, अभी मैंने आर वेक्टर की वैल्यू रख दी, कितना हो जाएगा सर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप. यस और नो? जल्दी से बताओ भाई. यस और नो? यस सर. अब आपने क्या करा सर जी, इसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस क्वांटिटी इज आर स्क्वायर एक्स आई कैप प्लस आर स्क्वायर वाई जी कैप प्लस आर स्क्वायर जेड की कैप. नाउ मुझे क्या करना है डियर सर, मुझे जो है इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो जाएगा, दिस इज रूट ओवर दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट आर स्क्वायर इंटू एक्स द होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू वाई द होल स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर इंटू जेड द होल स्क्वायर. जल्दी से बताओ यार, यही होगा? यस और नो? यस सर. नाउ माय डियर अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस क्वांटिटी इज, नाउ एक बात बताइए यहां से क्या होगा सर, दिस इज नथिंग बट आर स्क्वायर का होल स्क्वायर आपका आ गया कॉमन एंड दिस क्वांटिटी इज एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर. जल्दी से बताइए यही होगा? यस और नो? यस सर. चलिए यहां से आपने क्या करा,
दिस इज मॉड ऑफ एफ वेक्टर, ये आपने कॉमन ले लिया यहां से, तो ये हो जाएगा सर दिस इज आर स्क्वायर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ जेड स्क्वायर। मुझे बताइए ये क्या है? दिस इज नथिंग बट वॉट, दिस इज नथिंग बट आर। तो आपका क्या आ गया सर? मॉड ऑफ एफ वेक्टर इज नथिंग बट वॉट सर जी? आर क्यू। और ध्यान से सुन मेरे लाल, ये आएगा भी क्यों नहीं? ये सुन, यस ये आएगा भी क्यों नहीं? मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा अपने यहां पर दिमाग लगाया सर, अगर एक बात की जाए तो सर ये क्या है? सर दिस इज एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर इनटू आर वेक्टर। यस सर, अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसका क्या लीजिए, आप इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आप क्या कहेंगे कि सर जी ये क्वांटिटी मैं सब में मल्टीप्लाई करूंगा एंड देन उसका क्या लूंगा सर? उसका मैग्नीट्यूड लूंगा एंड देन फाइनली आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यस सर, बस अब जब इस आर स्क्वायर का ही आप सभी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यही आर स्क्वायर इन द एंड आप कॉमन ही ले रहे हैं, तो ये क्या होगा सर? डायरेक्टली इसका आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। और अगर मैं इसमें मैग्नीट्यूड लगाऊंगा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है क्या सर? नथिंग बट आर, तो होना ही था। आर स्क्वायर इनटू आर इज नथिंग बट आर क्यूब। जल्दी से बताइए यस और नो, समझ आया सर जी? एफ जो है आर स्क्वायर कहां से आया? वाह मनीष जी वाह, बहुत ही बढ़िया, ये इतने बड़े अक्षरों में ये क्या लिखा हुआ? दिस इज एग्जाम्पल माय डियर, एग्जाम्पल है, थोड़ी सी आंखें खोल के बैठो बेटा, ओके सो मत, आंखें खोल के बैठो तो कुछ समझ आएगा, वरना ये सारी चीजें ऐसे ही उड़ गई ना तो कहीं भी आपको समझ नहीं आने वाला, तो थोड़े से आंखें खोल के बैठो बेटा, ठीक है? चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं माय डियर, मूव ऑन टू रिजल्ट नंबर 9। चलिए एंड इन सभी रिजल्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर सर। क्या है माय डियर? अगर मैं आपसे बात करूं डेल डॉट दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो, नाउ मैंने आपसे क्या कहा सर? डेल डॉट आर टू द पावर एन इनटू आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो सर इस केस में आपके किस n के लिए ये जीरो? देन द वैल्यू ऑफ n इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट माय डियर? इज नथिंग बट इक्वल टू 3। क्या होगा डियर? n इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट सर जी? n इज नथिंग बट इक्वल टू -3 इन दिस केस सर जी। कैसे? अगर आप इसे और कहना चाहें तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट डेल डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब is nothing but equals to what sir? Is nothing but equals to zero। चलिए चलिए चलिए, पहले सभी लोग इस रिजल्ट को देख लीजिए, फिर आप सभी को इसका प्रूफ भी कराया जाएगा कि ये जो है एक्चुअल में आया कैसे। जल्दी से सभी लोग इस रिजल्ट को देख लीजिए, अब आपको क्या कराया जाएगा इसका? इसका प्रूफ कराया जाएगा, क्योंकि यहां पर कोई भी चीज आपको रटने के लिए डायरेक्टली नहीं की जाएगी कि भैया होता है इससे रट लो ना। अगर हर चीज रटनी ही है तो भैया बुक खोल के देख लो, बुक में ही देख लो कि कोई भी बुक उठाइए बुक में मिल जाएंगी सारी चीजें, बट कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है, सारी चीजें समझनी है। तो जल्दी से बताओ ये समझ आया कि नहीं? जल्दी से बताइए इतना समझ आया? चलिए आइए अब इसका हम प्रूफ देखते हैं। आइए चलिए, आपने क्या कहा सर? मैंने कहा डेल डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू जीरो होता है। चलिए अब क्या करते हैं इसका प्रूफ देखते हैं। चलिए प्रूफ हम क्या करेंगे, दिस इज डेल डॉट आर टू द पावर एन इंटू आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो, देन n is nothing but equals to what sir ji? -3। तो मुझे n equals to -3 प्रूफ करना है कि आपके ये किस केस में जीरो होगा, जब आपके n की वैल्यू क्या होगी सर? nothing but equals to -3।
चलिए तो आपने क्या करा, सबसे पहले हमने लिखा सर आर वेक्टर क्या है, सर आर वेक्टर इज नथिंग बट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जल्दी से बताइए आर वेक्टर यही है, जल्दी से बताइए। यस सर आर वेक्टर तो यही है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। नाउ अगर मैं इसमें आपसे कहूं कि आप क्या करिए आर टू द पावर एन का मल्टीप्लाई करिए, आर टू द पावर एन का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा सर, आर टू द पावर एन इंटू एक्स आई कैप प्लस आर टू द पावर एन इंटू वाई जे कैप प्लस आर टू द पावर एन इंटू जेड के कैप। जल्दी से बताओ यार यही होगा, यस सर। नाउ माय डियर अगर मैं आपसे इसकी बात करूं तो आप क्या कहेंगे सर मुझे डाइवर्जेंस निकालना है, डेल डॉट आर टू द पावर एन इंटू आर वेक्टर ये कितना होगा सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट, सो दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स आर टू द पावर एन इंटू एक्स प्लस डी बाई डी वाई आर टू द पावर एन इंटू वाई प्लस डी बाई डी जेड आर टू द पावर एन इंटू जेड। जल्दी से नहीं यही होगा, यस और नो। चलिए तो एक काम करते हैं यार, ये बिल्कुल सिमिलर उसमें ही दिख रहा है, अगर आप इसको देखें ये सिमिलर ही दिख रहा है, तो एक निकाल लेते हैं बाकी हम क्या कर देंगे, बाकी हम सिमिलरली करके बाकी सभी चीजों को सेम लिख देंगे। तो हमने क्या करा चलिए, दिस क्वांटिटी इज डी बाई डी एक्स एंड दिस इज आर टू द पावर एन एक्स। मेरे लाल आर टू द पावर एन को कॉन्स्टेंट मत मान लेना, आर टू द पावर एन को कांस्टेंट मत मान लेना सर जी। क्यों डियर, अभी आप तो प्रूफ करा सबसे पहले, वरना आगे पार्ट पीछे सपाट क्या, कि अगर आप आर के बात करें तो आर आपका कांस्टेंट नहीं, आर का आपका डेरिवेटिव क्या है एक्स बाई आर है, तो आप आर टू द पावर एन को कांस्टेंट मान के ये मत कह देना कि सर जी इसको क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है सर जी, ये तो बहुत ही सिंपल है, इसको क्या करना है, ये तो हो जाएगा सर जी आर टू द पावर एन। अगर ये आर टू द पावर एन ही होता तो इसे मैं सेपरेट निकालने के लिए क्यों कहता डियर। अगर आप इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन, तो आप क्या कहेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यस सर नो। चलिए आइए, चलिए अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट आर टू द पावर एन प्लस दिस क्वांटिटी इज एक्स इनटू डी आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाय डी एक्स। याद है कहां करा था, दिस इज अगर आप बात करें डी आर टू द पावर एन, ये याद है डेल आर टू द पावर एन का, यस सर ये तो हमें डेल आर टू द पावर एन जो है सर आर टू द पावर एन पूरे डेल के लिए आपने निकाला था, यस सर नो। अंतर समझ के चीजों को समझ के करना चाहिए, वहां पर डेल लिखा हुआ है तो वो डेल सभी के साथ मीन्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी वाई डी बाई डी जेड सभी के साथ, और यहां पर आपका सिर्फ क्या है सर डी बाई डी एक्स, तो कंफ्यूजन आपको किसी भी प्रकार से नहीं रखना अपने दिमाग में। सर इसको कैसे करें, फिर क्या करना है आपको, सर सबसे पहले हम करेंगे किसका सर पावर का, पावर का कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए सर, पावर का हो जाएगा n r टू द पावर n माइनस वन, ये आपने किया किसका सर जी पावर का, पावर का करने के बाद अब आप किसका करेंगे सर जी नथिंग बट r का, तो दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट डी आर बाई डी एक्स, यस सर। बस ध्यान से सुन लो, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपके x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करते हो तो होता है वन, बट अगर आप r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो वह वन नहीं होता, उसकी वैल्यू क्या होती है सर, उसकी वैल्यू होती है क्या होती है सर नथिंग बट x बाई आर, इसीलिए डी आर बाई डी एक्स आ गया, यस और नो। चलिए वैल्यू रख दो भाई, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट this quantity is nothing but r to the power n plus x n r to the power n minus 1
into dr by dx कितना हो जाएगा सर, nothing but x by r। चलिए तो आपकी वैल्यू क्या आ गई सर, दिस इज नथिंग बट d by dx r to the power n multiple of x, this is nothing but r to the power n plus this is x into x, this is x square, this is n, x square r to the power n minus सजी 2 हो जाएगा। यस सर, यस। देखो भाई ये जो था r to the power n minus 1 था डिवाइडेड बाय r, तो क्या हो जाएगा सर, r to the power n minus nothing but 2। चलिए तो आप अब आप क्या करेंगे सर जी, अगर इसकी ये वैल्यू आई है तो सिमिलरली सिमिलरली d by dy की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, d by dy की वैल्यू रहेगी r to the power n into y, this quantity is nothing but r to the power n plus n, x की जगह पर क्या हो जाएगा सर जी y, this is r to the power n minus 2। similarly for z r to the power n into z, this is r to the power n plus n z square r to the power n minus 2। now my dear this is your what, so this is your equation number 1, this is your equation number 2, this is your equation number 3, and my dear aapko jo find out karna hai usme kya aayega sir, agar main iski baat karun to aap kya kariye sir, equation 1 equation 2 equation 3 ki sari value utha kar aap yahan par rakh dijiye, to agar aap iski baat kare this quantity is come out to be how much, this is del dot r to the power n into r vector, and this quantity is nothing but what, so this quantity is nothing but, so this is r to the power n plus n x square r to the power n minus 2 plus of this is r to the power n plus n y square r to the power n minus 2 plus r to the power n plus n z square r to the power n minus 2। जल्दी से बताइए यस और नो। चलिए भाई करिए सिंपलीफाई, अगर आप इसे सिंपलीफाई करते हैं दिस इज डेल डॉट r to the power n into r वेक्टर इज इक्वल टू दिस इज r to the power n, r to the power n एंड दिस इज r to the power n, कितना हो गया सर 3 r to the power n प्लस, नाउ इसकी अगर आप बात करें तो यहां पर क्या कॉमन आ रहा है सर n r to the power n minus 2, जल्दी से बताइए यही आ रहा है यस सर, और यहां पर कितना आ रहा है सर दिस इज x square plus of y square plus of z square। चलो एंड माइंड यार अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो आप क्या कहेंगे सर, रिजल्ट के हिसाब से हमें ये क्वांटिटी क्या चाहिए सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट इक्वल टू सर जी 0। तो चलिए आइए इसे आप करिए इक्वेट टू 0, दिस इज डेल डॉट r टू द पावर n इनटू r वेक्टर इज इक्वल्स टू हमें क्या चाहिए सर जी 0, तो और अगर हम इसे 0 रख देते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 r टू द पावर n प्लस दिस इज n r टू द पावर this is n into r to the power n minus 2 and this is x square plus of y square plus of z square is equals to what sir, this is equals to 0 yes or no tell me fast yes sir। चलिए भाई this quantity is 3 r to the power n plus of n r to the power n minus 2 and this quantity x square plus y square plus z square क्या हो जाएगा so this is nothing but what sir ji r square is equals to 0, so this is 3 r to the power n plus n r to the power ye kitna ho jayega so this is n is equals to 0, jaldi se bataiye yahi hoga। chaliye aur agar aap yahan par baat kare this is r to the power n and this is 3 plus n is equals to 0, aap kya kahenge sir ji ये जो r to the power n है इसकी वैल्यू आप क्या कहेंगे सर, ये 0 नहीं होगी क्योंकि r आपका क्या है सर, एक पोजीशन वेक्टर है, सिर्फ ओरिजिन के लिए ही छोड़ दो तो इसके अलावा इसकी वैल्यू क्या होगी सर, 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ हमारा डिस्टेंस, कुछ ना कुछ इसकी लेंथ होगी। तो अगर आप यहां पर बात करें तो क्या कहेंगे
this is equals to 0 means n equals to what? Sir, n equals to minus 3. जल्दी से बताओ भाई कितनों को समझ आया? जल्दी से बताइए कितनों को समझ आया? Tell me fast. जल्दी से बताइए. सभी को समझ आया? चलिए. तो ये सब कुछ था आपके किसके बारे में? So this is all about the position vector. क्या आपका position vector क्या है? उसका divergence क्या है? उसका अगर आप curl निकालें, उसमें आप gradient निकालें. अगर आप उसके बाकी इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात की जाए तो ये सारी चीजें थी आपकी क्या. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोजीशन वेक्टर. यस और नो? चलिए. यस या अब मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताऊंगा. आप उन चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट को ध्यान रखिए. बाकी उसके अलावा आपको कोई भी जो है रिजल्ट याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल से रिलेटेड हो, जो उन्हें कंबाइन करते हैं. चलिए. तो वह चार इंपॉर्टेंट रिजल्ट से पहले चलिए आ जाइए भाई. इधर आइए. ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके कौन से थे रिया? ये सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको पहले बताया गया ये सभी थे आपके पोजीशन वेक्टर से रिलेटेड. कि पोजीशन वेक्टर क्या है उन सभी चीजों से रिलेटेड थे. अब जो मैं आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं ये सभी जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपके किसके? सर कॉम्बिनेशन से. मींस जो हम ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कल दो दो ऑपरेटर एक साथ लगाते उसके केस में क्या होगा. चलिए आइए. आप ही लोग बताइएगा. ओके सारी चीजें आपको याद रखनी है. कैसे याद रखनी है वह तरीका मैं बताऊंगा बट आपको कैसे वह सब चीजें याद होंगी वह सभी लोग यहां पर देखें. ठीक है चलिए सबसे पहली चीज डाइवर्जेंस ऑफ. मुझे यह बताइए डाइवर्जेंस किसका निकालते हैं आप? ये बताइए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको निकालना है क्या है? आपको निकालना है डाइवर्जेंस. तो आप डाइवर्जेंस किसका निकाल सकते हैं? आप ही बताइए आप डाइवर्जेंस जो है किसका निकाल सकते हैं? तो आप क्या कहेंगे? सर जी अगर डाइवर्जेंस की बात की जाए इस चीजों को थोड़ा सा सोचना सीखिए. ठीक है डाइवर्जेंस की अगर आप बात करें तो सर हम कहेंगे कि सर डाइवर्जेंस समय से हम निकाल सकते हैं किसका? वेक्टर क्वांटिटी का. डाइवर्जेंस हमेशा किसका निकलता है? सर जी वेक्टर क्वांटिटी का. ओके यस सर. एंड वेक्टर क्वांटिटी एज अ रिजल्ट कौन कौन आपको देता है? सर वेक्टर क्वांटिटी एज अ रिजल्ट अगर हम बात करें तो सर ग्रेडियंट भी देता है एंड सर जी कर्ल भी देता है. यस सर जल्दी से बताइए. तो आप क्या कहेंगे? सर जी डाइवर्जेंस के लिए हमें चाहिए वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हमें ग्रेडियंट भी देता है और सर जी हमें कर्ल भी देता है. तो हम जो है डाइवर्जेंस दोनों का निकाल सकते हैं, ग्रेडियंट का भी निकाल सकते हैं और कर्ल का भी निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके दो रिजल्ट कौन से बनते हैं आपके? फर्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट? सर ग्रेडियंट फाई. ग्रेडियंट तो आप स्केलर क्वांटिटी का लेता है ना फर्स्ट फॉर्मूला. सेकंड आपको क्या बनता है? सर सेकंड बनता है हमारा डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ व्हाट? कर्ल ऑफ ए वेक्टर. यस क्योंकि कर्ल जो है किसका निकलता है हमेशा? सर वेक्टर क्वांटिटी का. यस सर अब मेरी बात ध्यान से सुनिए. कर्ल जो है ना कर्ल बहुत ही परेशान व्यक्ति है. कर्ल किसी के साथ भी खुश रहता ही नहीं. सर जी इसका मतलब क्या है? क्या आप ये क्या कह रहे हो कि सर कर्ल किसी के साथ खुश नहीं रहता? सर इसका मतलब क्या है? डियर आप कर्ल किस किस के निकाल सकते हैं?
अगर आपने कहा सर डाइवर्जेंस निकाल रहा हूं किसका, कर्ल ऑफ एफ वेक्टर का, ये आपका इंडिपेंडेंट है आपके एफ वेक्टर, आपके एफ वेक्टर कुछ भी हो माय डियर, एफ वेक्टर आपका कुछ भी हो इंडिपेंडेंट ऑफ एफ वेक्टर है कि अगर आपने एफ वेक्टर का कर्ल लिया, अब उसके कर्ल लेने के बाद आप डाइवर्जेंस निकाल रहे, मींस आपके पास ऑपरेटर क्या है, सो दिस इज डेल डॉट ऑफ डेल फाई डेल क्रॉस एफ वेक्टर, यस सर। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने क्या करा सर, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ वेक्टर निकालो, तो आप क्या कहेंगे सर, कर्ल किसी के साथ खुश नहीं रहता, सर जी किसी के साथ खुश नहीं रहता, इसका मतलब क्या है सर, आप एफ वेक्टर के कर्ल निकालिए, आप क्या कहेंगे सर, कुछ वैल्यू आएगी, उसका मैं डाइवर्जेंस निकाल लूंगा, तो आपने क्या कहा सर, इसका आंसर क्या होगा माय डियर, इसका आंसर होगा जीरो, क्यों क्यों, क्योंकि कर्ल जो है डाइवर्जेंस के साथ खुश नहीं रहेगा, यस सर। आई आई आई, अब मैंने आपसे पूछा कि यार कर्ल आप किस किस का निकाल सकते हो, तो आप क्या कहोगे सर जी, कर्ल जो है सर, कर्ल जो है किसका निकलता हमेशा सर, वेक्टर क्वांटिटी का, कर्ल हमेशा किसका निकलता माय डियर, अगर आप कर्ल की बात करें तो कर्ल आप कहोगे सर हमेशा किसका निकलता है सर, कर्ल हमेशा निकलता वेक्टर क्वांटिटी का, ओके, और वेक्टर क्वांटिटी की बात की जाए, रिजल्ट एज अ रिजल्ट आपको वेक्टर क्वांटिटी कौन देता है सर, एज अ रिजल्ट मुझे वेक्टर क्वांटिटी सर, ग्रेडियंट देता है और खुद कर्ल भी देता है सर, ग्रेडियंट भी देता है और कौन सर, कर्ल भी देता है, तो माय डियर आपका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा यहां पर, थर्ड थर्ड कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा डियर सर, दिस इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट, ग्रेडियंट आप किसका निकालते हैं सर जी, स्केलर क्वांटिटी का, यानी ग्रेडियंट फाइव, एंड लास्ट इज कर्ल ऑफ कर्ल एफ वेक्टर, यस सर, समझे कि ये आपके चार कॉम्बिनेशन बने कैसे, जल्दी से बताइए चार की चार आपके बने कैसे, आपको ये समझ आया, यस सर। यार एक बात बताओ सर जी, ऐसा आपने ग्रेडियंट के साथ क्यों नहीं बनाया सर, आपने ये से हमारे जो है ग्रेडियंट के साथ क्यों नहीं बनाया माय डियर, ग्रेडियंट को क्या चाहिए सर, ग्रेडियंट की अगर बात की जाए तो ग्रेडियंट को चाहिए सर स्केलर क्वांटिटी, जो कि कर्ल हमेशा नहीं देता सर, कर्ल जो है हमें क्या देगा, वेक्टर क्वांटिटी देता है सर, रिजल्ट, इसलिए हम ये जो है ये चार स्टैंडर्ड रिजल्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है सर। इसमें से पहला, अब ध्यान से सुनिए, अब बात आती है कि ये चार तो हमें समझ आ गए कि सर ये चार आपने बनाए कैसे, समझ आए, यस सर। अब ये चार समझ आने के बाद अब बात आती है इन्हें याद करने की, तो अगर मैं आपसे बात करूं डियर, इधर आइए, अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या कहोगे सर जी, सबसे पहली चीज कर्ल जो है सर दूसरे किसी के साथ खुशी ही नहीं रहता, मींस अगर आप डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ वेक्टर निकाल रहे हो तो वैल्यू क्या है सर जी, जीरो। अगर आप कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई निकाल रहे हो, मींस कर्ल ऑफ डेल क्रॉस ग्रेड फाई, यानी कि सर डेल फाई, ये वैल्यू क्या होगी सर, दिस इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस इज नथिंग बट जीरो, क्यों, क्योंकि सर जी कर्ल किसी के साथ खुश नहीं, ये याद करने का तरीका है, ये मत कह देना कि सर ये कंसेप्ट है क्या यार, और कंसेप्ट के लिए क्या है आपको बता चुका हूं मैं पहले, क्या करना है सर, कुछ नहीं, कोई भी क्वांटिटी दे उसका पहले ग्रेडियंट निकाल लो, फिर उसका डाइवर्जेंस निकाल लो, आंसर आ जाएगा, कोई भी क्वांटिटी दे उसका कर्ल निकाल लो फिर उसका डाइवर्जेंस निकाल लो, आ जाएगा, कुछ का भी दो यार निकाल के देख लो, सभी क्या जाएंगे, यस सर। आपको क्वेश्चन भी मैंने पिछली क्लास में कराए थे गेट के, बिना इसके रिजल्ट के, यस सर। चलिए अब बात करते हैं हम किसका, नेक्स्ट इज दिस वन, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट फाई की बात की जाए तो ये क्या होता है सर, दिस इज डेल डॉट डेल फाई, डेल डॉट डेल फाई, यार ये तो बहुत ही सिंपल, फाई का अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो फाई का अगर आप ग्रेडियंट निकालेंगे तो वह क्या होगा सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट वॉट सर, दिस इज, अगर ध्यान से सुनिए, अगर आप इसका निकालेंगे
इसका अगर हम बात करें तो आपका डेल फाई कितना हो जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ फाई आई कैप प्लस डी बाई डी वाई ऑफ फाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड ऑफ फाई के कैप। जल्दी से बताओ यही होगा? यस सर। और अगर मैं डाइवर्जेंस की बात करूं, मींस मैं अगर डेल की बात करूं तो डेल क्या है, सो दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डी बाई डी वाई जे कैप प्लस डी बाई डी जेड के कैप। अब मेरे लाल अब आप क्या कर रहे हो सर जी, इन दोनों का सर जी डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। देखिए डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है सर, ये हो जाएगा डेल डॉट डेल फाई, तो मेरे लाल ये क्या हो जाएगा सर, आई आई के अगर करेंगे तो वन हो जाएगा और ये इसका डेरिवेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा सर, दिस इज यस सर, ये डबल डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड मेरे लाल ये क्या है सर, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट व्हाट सर, दिस इज द लाप्लास ऑपरेटर, इसका हो जाएगा सर जी पाई का, तो ये कितना हो जाएगा सर, दिस इज नथिंग बट डेल स्क्वायर पाई। जल्दी से बताइए यस और नो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वन टू और थ्री, ये तीन आपके सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो ये इतना यूज नहीं होता क्योंकि आप कर्ल का जो है कर्ल निकालना कोई ज्यादा टफ है नहीं, तो आप इसकी अगर बात करें तो ये क्या होता है सर, दिस इज नथिंग बट डेल ऑफ डेल डॉट एफ वेक्टर माइनस ऑफ डेल स्क्वायर, यस दिस इज डेल स्क्वायर एफ वेक्टर। जल्दी से भाई याद रहेंगे, Anyone, कोई एक भी स्टूडेंट ऐसा जिसको ये चारों में दिक्कत हो कि सर एक इन चारों में से अगर आपको यस ये बुक में आपको जो है 12-15 मिलेंगे, आपको इन चार के अलावा कोई और क्वेश्चन आ जाए तो कहिएगा, और अगर आ भी जाएगा तो आपको जनरल मेथड तो मैंने सभी की बता दी, बट अगर आपने वो 15 के चक्कर में इन चार को भी नहीं याद किया तो डियर वो 15 तो आएंगे नहीं, बट अगर ये चार की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। इसलिए ये जो स्टार्टिंग के तीन है ये तो बहुत ही ज्यादा आप देखिएगा कि अभी जब मैं वेक्टर इंटीग्रेशन स्टार्ट करूंगा ओके, जब आपको सारी चीजें ये यूज होंगे। जल्दी से बताइए समझ आया यस और नो? यस सर। चलिए भाई, तो आज का सेशन यहीं पर एंड किया जाए, नेक्स्ट सेशन में इस पे क्वेश्चन करेंगे एंड डायरेक्शन डेरिवेटिव हम स्टार्ट करेंगे ओके। चलिए भाई तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं, बट सेशन को एंड करने से पहले आपको अनअकैडमी जो है डिफरेंट वे दे रहा है कि आप प्राइस जो है प्राइस जीत सकते हैं, तो आप सभी लोग इन प्रोग्राम्स में जरूर भाग लें। एंड माय डियर फ्रेंड, आप सभी स्टूडेंट जो भी गेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, अब जो है आप सभी को किसी भी प्रकार से अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ बचे हुए, उन 7 मंथ में से भी आपका 1 मंथ जो है वह रिविजन का है, और अगर आपने इन सभी चीजों को अभी भी सीरियस नहीं लिया तो डियर ये जो 6 मंथ आपके प्रिपरेशन के बचे हैं उन 6 मंथ में आपको गेट जैसा एग्जाम नेशनल लेवल एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, और अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक स्टडी हमें मिल सके, हमें सारी चीजें एक बेस्ट वे में मिल सके, तो माय डियर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें, अपना गोल चूज करें एज अ गेट एंड ईएससी, वहां पर सर्च करें पल्लव कौर और वहां पर जाकर मुझे फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप सभी लोग अपना प्लान चूज करें, आइदर 12 मंथ 18 मंथ और 24 मंथ, बट डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टेल योर सिलेक्शन। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं तो आइकॉनिक के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर करना है, प्लान भी आपको जो है अपने हिसाब से चूज कीजिए, आइदर 12 मंथ और 24 मंथ, बट कोड आपको सेम रखना है पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल सके, और जिस फील के साथ हम सारी चीजें डील करते हैं आप उस फील के साथ सभी सब्जेक्ट को डील कर सके।
पर आप में से जिस भी स्टूडेंट ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है, माय डियर आप इस लिंक के थ्रू मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आप सभी को टेलीग्राम की लिंक कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दी गई है, उस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पल्लव लाइव को ज्वाइन करें। चलिए गाइस, तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. To experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators. Right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now.
to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. To experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GATE till date.